सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है, और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख रहे हैं, अपने जवानों पर भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। साथियों, देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है।
यवतमाल की प्रगति भी यहां की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है। इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा पुणे अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन दौंड मनमाड़ भुसावल और बडनेरा होते हुए जाएगी। इससे इन सभी जगहों के लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। साथियों, सड़क और रेल सुविधा के अलावा यवतमाल के 14,500 से अधिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है। जिनको भी ये पक्के घर मिले हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पक्के घर हैं तो सपने भी पक्के होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है और ये सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। जिन परिवारों को अब तक घर नहीं मिला है वे भी इस बात पे भरोसा करें, ये मेरा वचन है, 2022 के पहले हर परिवार को पक्का घर होगा, होगा, होगा। अब तक देश के गांव और शहरों में 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में भी लगभग 2.5 लाख घर बने। फडणवीस जी की सरकार ने भी 50,000 से ज्यादा घर बनवाए हैं। यहां यवतमाल में भी लगभग 12,000 घरों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं ये गरीबों को आत्मविश्वास तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारी बहनों के सशक्तिकरण का भी साधन है। जिस प्रकार यहां की हमारी परंपराओं में बहनों को प्राथमिकता दी जाती है, माताएं परिवार और समाज को दिशा दिखाती हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण को लेकर यवतमाल देश के अग्रणी जिलों में है। यवतमाल सहित पूरे महाराष्ट्र में महिला बचत गट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारी सरकार ने महिला बचत गट को विस्तार भी दिया है और उनको शक्ति भी दी है। इन समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए पहले की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा पैसा उपलब्ध कराया गया है। भाइयों और बहनों, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो शेतकरी समाज से लंबा संवाद किया था। आज जब दोबारा आपके बीच आया हूं तो ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि हाल के बजट में शेतकरी समाज के साथ साथ जो हमारे घुमंतू समाज के लोग हैं, बंजारा वगैरह जो समाज है, हमारे श्रमिक समाज है, हमारे खेत मजदूर हैं, इन सभी के लिए भी बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है।
साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से केंद्र सरकार ने किसानों की सीधी आर्थिक मदद करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लगभग 1,25,00,000 किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये पैसा 2,000-2,000 रुपयों की 3 किस्त में सीधा आपके खाते में जमा हो जाएगा और एक बार नहीं, ये हर वर्ष दिया जाएगा। साथियों, इस बजट में सरकार ने घुमंतू समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यवतमाल जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अपनी जीवन शैली और अन्य वजहों से एक जगह पर नहीं रहते हैं। इतिहास में पहली बार इस समुदाय का ख्याल सरकार ने किया है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार के विकास के कार्यों का लाभ इन तक तेजी से पहुंचे। साथियों, सड़कों और घरों के निर्माण से जुड़े, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी ठेले वाले, असंगठित क्षेत्र के ऐसे करोड़ों परिवारों के लिए भी पहली बार एक बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 15,000 रुपये महीना तक कमाने वाले कामगार साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए औसतन 100 रुपये का अंशदान हर महीने देना होगा। इतना ही पैसा केंद्र सरकार इन साथियों के पेंशन खाते में हर महीने जमा करने वाली है। भाइयों और बहनों, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण से जुड़े बजट में भी लगभग 30% की बढ़ोतरी की है। इससे यवतमाल सहित महाराष्ट्र के अनेक जिलों को लाभ होने वाला है। ये फैसला आदिवासी भाई बहनों के लिए भाजपा सरकार की निष्ठा और उसकी प्रतिबद्धता का सबूत है। साथियों, जमीन हो, जंगल की पैदावार हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल से जुड़ी प्रतिभा हो, हर स्तर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। जन धन से लेकर वन धन योजना तक जन समुदाय, जनजातीय समुदाय के बहन भाइयों के लिए काम किया जा रहा है। जन धन योजना के तहत बैंकों में लगभग हर परिवार के खाते खुलवाए गए हैं, जिससे सरकार की हर मदद आपके खाते में सीधी मिलनी सुनिश्चित हुई है। अब कोई भी बिचौलिया आपके पैसे पर डाका नहीं डाल सकता। इसी तरह वन धन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। इसके लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का जोर वन उपज के वैल्यू एडिशन पर है, मूल्य वृद्धि पर है। जब वैल्यू एडिशन होता है, मूल्य वृद्धि होता है,
तो उपज की ज्यादा कीमत मिलती है। जैसे